सन 1955 में पूरे भारत में खुशी का माहौल था, क्योंकि यह वही समय था जब झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के लगभग 160 किलोमीटर लंबे और 1 से 10 किलोमीटर चौड़ी एरिया में सबसे महंगे धातुओं में से एक यूरेनियम धातु मिला। इसमें 6 गांव शामिल थे, जादूगोड़ा, भाटीन, बागाजाता, मोहलडी, नरवा घाट और तुरामडी, जहां पर यूरेनियम का खान खोला गया। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार और बिजली बनाने के लिए किया जाता है। बाजार में 1 केजी यूरेनियम का रेट जो है लगभग 3 करोड़ माना जाता है। अब इतना महंगा धातु वहाँ पर मिला है तो अब तो वहाँ के लोगों को अमीर हो जाना चाहिए, क्यों, सही कहा ना? तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर वहाँ के लोग कितने अमीर हैं, कितना खुश हैं और कैसा जीवन जी रहे हैं। सन 1967 में भारत सरकार द्वारा संचालित UCL द्वारा वहाँ पर खनन कार्य शुरू किया जाता है। खनन कार्य शुरू करने से पहले ही वहाँ के लोगों को बड़े बड़े वादे करती है कि आपको नौकरी दिया जाएगा, आपको पुनर्वास दिया जाएगा, आपके लिए ये किया जाएगा, आपके लिए वो किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या किया है, क्या नहीं किया है, चलिए जानते हैं वहाँ की ग्राउंड रियलिटी वहाँ के लोगों से ही। पहले आप ये सब क्लिप देखिए। ये सब क्लिप कहीं और का नहीं बल्कि झारखंड का जादूगोड़ा का ही है, और ये सब होने का कारण है कि यूरेनियम द्वारा निकलने वाले रेडिएशन से। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 15 वर्षों में 200 से भी ज्यादा बच्चे विकलांग पैदा हुए। यही नहीं, यहाँ पर रेडिएशन के कारण कई सारे महिलाएं जो है वह गर्भवती ही नहीं हो पाती है और कई सारे महिलाओं का तो गर्भपात हो जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ की 20% महिलाओं का एक बार गर्भपात हुआ है, जबकि 10% महिलाएं ऐसे हैं जिसका 4 से 5 बार गर्भपात हुआ है। ये है वहाँ की रहने वाली बुत्ती देवी, जिन्होंने 6 बार मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। ये है सलमा सोरेन, जिन्होंने 5 मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। यही नहीं, कई सारे महिलाओं के साथ ऐसा हो चुका है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि 1 केजी यूरेनियम निकालने के लिए उसमें 1750 केजी डस्ट निकलता है, जिसमें से हानिकारक रेडोन गैस निकलता है। UCL द्वारा यूरेनियम के डस्ट को फेंकने के लिए 3 तालाब बनाए हैं, जिसके लिए 109 एकड़ जमीन को लिया गया है। पहला तालाब 33 हेक्टेयर का है, जबकि दूसरा तालाब जो है वह 14 हेक्टेयर का है, जबकि तीसरा तालाब जो है वह 30 हेक्टेयर का है। पहला और दूसरा तालाब जो है वह लगभग भर चुका है और बंद होने के कगार पर है, जबकि तीसरा तालाब को अच्छा से नहीं बनाया गया, उनके तीनों ओर अच्छे से नहीं घेरा गया, जिसके कारण बरसात के दिनों में तालाब भर जाता है और सीपेज करने लगता है और साथ ही कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है। उसके बाद दूषित पानी कुओं में, तालाबों में, खेतों में, यहाँ तक कि घरों में भी घुस जाता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि पहले तालाबों में मछली पाला जाता था, लेकिन जब से दूषित पानी गया है वहाँ पर मछली नहीं पाला जा सकता। यही नहीं, तालाब का पानी अब इतना दूषित हो गया है कि वहाँ पर अगर आप साबुन घिसोगे तो झाग नहीं देता है। डैम के नीचे हम लोग का तालाब है, पहले हम लोग नहाता था, जब से डैम बना है अभी ना साबुन हो रहा ना मछली पालन हो रहा है। और लोगों का ये भी कहना है कि पहले खेतों में खेती की जाती थी और खेती होती भी थी, लेकिन जब से दूषित पानी वहाँ पर गया है अब खेती भी नहीं होने लगी है। वहाँ की मिट्टी जो है अब बंजर हो चुकी है। कुछ जमीन है हम लोग का है, कुछ खेती कर पाते हैं? अभी कुछ नहीं कर रहा, सब सीपेज हो गया, बंजर हो गई है। बंजर हो गया मतलब सीपेज, मिट्टी, मिट्टी। अच्छा, यूरेनियम का जो पानी है वो सीपेज होने की वजह से? हाँ, सीपेज की वजह से ऐसे हो रहा है। ओहो, वो नहीं हो पा रहा। अब वहाँ के लोगों का ये हाल हो गया है कि अब वे पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्हें पानी UCL द्वारा, पानी के टैंक द्वारा दिया जाता है, वो भी सीमित मात्रा में। वहीं गर्मी के दिनों में जब टेलिंग तालाब सूख जाता है तो रेडिएशन के जो कण होते हैं वे घरों में घुसने लगते हैं, यहाँ तक कि वे भोजन में भी जाने लगते हैं, जिसके वजह से वहाँ के कई सारे लोग जो है वह बीमार रहने लगे हैं। उन्हें कैंसर, ट्यूमर, मोतियाबिंद और अनुवांशिक बीमारियां होने लगी है। साथ ही व्हाइट ब्लड सेल का नुकसान हो रही है, जिसके वजह से वे बीमारियों से नहीं लड़ पा रहे हैं। 2004 में जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि जादूगोड़ा के आसपास के गांवों में रेडियन प्रतिवर्ष 1 मिलीसीवर्ट से ज्यादा है, जबकि टेलिंग पॉइंट के आसपास 10 मिलीसीवर्ट से ज्यादा है। वहीं WHO का मानना है कि अगर प्रतिवर्ष 50 से 100 मिलीसीवर्ट रेडियन मिलता है तो कैंसर होने का खतरा रहता है। वहीं अगर प्रतिवर्ष 100 मिलीसीवर्ट से भी ज्यादा होता है तो कैंसर होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। 2007 में 2000 परिवारों पर जांच किया गया तो पाया गया कि वहां के लोग जो है वो रेडियन से बुरी तरह प्रभावित है और उनमें मौत का सबसे बड़ा कारण कैंसर है। एक रिसर्च में पाया गया कि खदानों के आसपास रहने वाले लोगों में से 68.33% आबादी की मृत्यु 62 साल से पहले हो जाती है। लेकिन इस पर UCL का कहना है कि ये सब के पीछे का कारण रेडिएशन नहीं है बल्कि उनकी भुखमरी, अस्वच्छ वातावरण और मलेरिया जैसी बीमारी से है। ये तो रही वहाँ के लोगों की बीमारियों की बात, लेकिन हद तो तब हो गए जब वहाँ के लोग जो है
और रोजगार के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। वे लोग रोजगार के लिए भी पलायन कर रहे हैं। यहाँ के लोग अपना सब कुछ देने के बावजूद यहाँ पर गिने चुने लोगों को ही रोजगार मिला है। रोजगार भी कहाँ दे रहा है, रोजगार भी नहीं, गिना चुना लोगों को मिला, खाली गिना चुना आदमी को मिला है। उसमें भी लोगों का कहना है कि जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वे भी बाद में बीमार पड़ जाते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हमें तो अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला, हमें पुनर्वास भी नहीं मिला, यहाँ तक कि रोजगार भी नहीं मिला। UCIL कहते हैं कि हमने यहाँ पर 3 स्कूल, 3 हॉस्पिटल और 1 सामुदायिक चिकित्सा केंद्र बनाया है जहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया जाता है। वहीं यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर तो पहले डॉक्टर महीना में आता था, लेकिन अब 2 साल हो गए यहाँ पर डॉक्टर अभी तक नहीं आया है। और यहाँ तक कि जो सामुदायिक चिकित्सा केंद्र है उसे स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं वहाँ के लोगों का कहना है कि उस स्कूल में वे लोग पढ़ते हैं जो कि वहाँ के स्थायी वर्कर है, जबकि वहाँ के ज्यादातर लोग जो है वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं। ये हाल है उस जगह की जो कि पूरे भारत का 25% यूरेनियम देता है, जिसकी कीमत बाजार में 1 KG की 3 करोड़ रुपया है। अब इतना बहुमूल्य धातु जो देता है, बदले में उसे क्या मिलता है, आप इस वीडियो के माध्यम से देख लिए होंगे। यही हाल झारखंड का है जो कि पूरे भारत को खनिज देता है और बदले में उन्हें मिलता क्या है, यही जो कि इस वीडियो में देखे। अंत में तो हम यही कहेंगे कि झारखंड के लिए खनिज जो है वह एक वरदान नहीं है, बल्कि ये एक अभिशाप है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना।